सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के किचन में, रोनिकास किचन। सो आज वो डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ जिसमें जो कस्टमर होते हैं ना जल्दी वाले, भाई मुझे केक चाहिए घंटे डेढ़ घंटे में, दो घंटे में, तो ये उन्हीं के लिए है। झटपट से बनने वाली कम बजट वाली केक डिज़ाइन है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, 1 kg के लिए मैंने 350 ग्राम प्रीमिक्स, कई बेकर्स होते हैं जो 300 ग्राम प्रीमिक्स लेते हैं, बट पर्सनली मैं 350 ग्राम प्रीमिक्स लेती हूँ क्योंकि मैं कोई चांस नहीं छोड़ना चाहती हूँ कि वेट कम हो या फिर छोटा सा केक दिखे। मुझे लगता है 50-100 ग्राम ज़्यादा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 350 ग्राम के प्रीमिक्स से बना हुआ स्पॉन्ज। अब उसकी मैंने आइसिंग कर ली, ये सिंपल पाइनएप्पल केक था, इसके अंदर उनको कोई फिलिंग नहीं चाहिए थी, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है क्रम कोट। गाइज, जब भी आपको जल्दी में केक बनाना हो ना, तो आप जब OTG में या ओवन में अपना स्पॉन्ज रेडी करने के लिए रखें, उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में आपको क्या क्या काम निपटाना है, लाइक आपको क्रीम व्हिप करनी है, आपको क्रश वगैरह निकाल देना है, आपको लेयर मतलब, और जब स्पॉन्ज निकल जाए उसके बाद आपको 10 मिनट के बाद ही केक टिन से आपको स्पॉन्ज निकालना है। तुरंत जल्दी करेंगे तो वो टूट जाएगा, है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। एजेस को साफ़ करने के लिए वीडियो में दिखाए गए जिस तरीके से स्ट्रोक मैं दे रही हूँ उसी तरीके से आपको करना है। अब हमारी जो आज स्टार डिज़ाइन है वो है जो डाउनवर्ड, हम फॉल्ट लाइन के लिए जो डिज़ाइन देते हैं वही मैंने अपवर्ड कर दिया है। यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग से ब्लू कलर से मैंने ऊपर ब्लू कलर लगा दिया है और इसको स्क्रैपर से बिल्कुल स्मूथ आउट कर दिया है। ध्यान रखें आपकी ब्लू क्रीम पूरी नीचे की तरफ नहीं जानी चाहिए क्योंकि हमको सिर्फ टॉप पार्ट में लगानी थी और एक इसका टेक्सचर देना है मुझे। और ये बहुत, ट्रस्ट मी, ये बहुत जल्दी बनने वाली डिज़ाइन है, आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि मुझे बहुत जल्दी केक देना था। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक स्पून। अब स्पून से मुझे स्ट्रोक्स देने हैं, सिर्फ टेक्सचर डालना है। ये देखिए मैंने कैसे स्पून को तिरछा घुमा रही हूँ। आप छोटे साइज़ का स्पून लीजिए, जो छोटा टी स्पून होता है वो लीजिए। अब मैंने तिरछे स्ट्रोक डाले, आप वर्टिकल भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायगनल यूज़ किया है। बार बार 2 से 3 स्ट्रोक देने के बाद आपको स्पून साफ़ करना है क्लोथ से, नैपकिन से, और उसके बाद इस तरीके से करना, अदरवाइज़ आपकी वाइट क्रीम जो लगी है वो वापस ब्लू पे आ जाएगी। यहाँ पर जब एजेस पे थोड़ी सी क्रीम बन गई है, ऊपर आ गई है, तो हम क्या करेंगे, पैलेट नाइफ से दोबारा क्लीन कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है पैलेट नाइफ जितनी बार अंदर की तरफ लोगे आपको उतनी बार आपको नैपकिन से क्लीन करना है, अदरवाइज़ आपका एजेस शार्प नहीं होंगे। देखो टॉप भी हमारा बड़ा सा खूबसूरत शेडेड हो गया है और हमारा बॉटम भी रेडी है। बहुत झटपट बनने वाली ये डिज़ाइन है, जब आपके कस्टमर बहुत जल्दी में हो आप ये बना दीजिए। कलर कॉम्बिनेशन के बारे में सोचिए, किसके बारे में बना रहे हैं उसके हिसाब से। ये मैं गर्ल के लिए बना रही थी इसलिए मैंने बची हुई ब्लू क्रीम, आपको पता है गाइज मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि क्रीम को बचाना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है। जो भी कलर्ड क्रीम होते हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नेक्स्ट ऑर्डर होता है वो हमारे इस थीम से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए कोशिश करें बिना वेस्टेज जल्दी से जल्दी उसको यूज़ कर लें। यहाँ पे मैंने ब्लू क्रीम में पिंक डाल के पर्पल बना दिया और सिंपल से रोजेट बना दिए, और एक दूसरे पाइपिंग बैग में यही पर्पल क्रीम डाल के मैंने बर्थडे गर्ल का नाम भी लिख लिया है। इसमें गाइस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, अभी भी मुझ में भी इतनी करेक्शन या परफेक्शन नहीं है, तो मैं भी अभी उसी दौर पे हूँ कि मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। तो प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ के फालतू केक बनाएं, आप कस्टमर, क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली के लिए बनाएं, उसी में प्रैक्टिस कीजिए, वेस्टेज नहीं किए। अब ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। तो अब इस तरीके से मैंने ले लिए चॉकलेट बॉल्स जिसको मैंने गोल्डन कोटेड कर दिया है डस्ट से, एडिबल डस्ट से, और यहाँ पर चारों तरफ खूबसूरत बॉर्डर बना दिए। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाला पार्ट मुझे थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डालना था इसलिए गोल्डन शुगर बॉल मैंने यहाँ पर भी लगा दिए। देखो साजो सज्जा तो बहुत ही ज़रूरी है, लुक्स में भी अच्छा होना चाहिए और टेस्ट में तो बेहतरीन ही है। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है मेरा खूबसूरत केक। सो खाइए, खिलाइए, बनाइए और खुश हो जाइए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।